हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक बोरड में। और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 स्मार्टफोन जो 15,000 रुपये से कम कीमत में है। तो चलिए शुरू करते हैं। 15,000 रुपये से कम के स्मार्टफोन को भी बजट सेगमेंट में रखा जाता है। इस प्राइवेट सेगमेंट में इस साल कई स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं। ओप्पो के सबसे बड़े रियलमी से लेकर नोकिया तक फ़ोन रिलीज हुए हैं। यहाँ हमने इसमें सेगमेंट में मौजूद फीचर्स लिया से दमदार स्मार्टफोन की 5 लिस्ट बनाई है जो हम आपको बताएंगे। Realme U1 ओप्पो के सब ब्रांड ने इस साल के शुरुआत में एंट्री ली और 4 स्मार्टफोन के लॉन्च के बाद ही कंपनी ने अपना नाम बना लिया। 11,999 रुपये की कीमत में मिलने वाला यह Realme U1 सेल्फी सेंट्रिक फ़ोन है। बजट रेंज में यह फ़ोन कुछ अच्छा ऑफर कर रहा है। सिर्फ सेल्फी सेंट्रिक नहीं, फ़ोन में दमदार प्रोसेसर भी दिया गया है। इसे यूजर्स की मांग के अनुसार अच्छा कॉम्बिनेशन कहा जा सकता है। दूसरे नंबर पर आता है नोकिया 3.1 प्लस। HMD ग्लोबल ने इस वर्ष नोकिया 3.1 प्लस लॉन्च किया था। इस फ़ोन को छोटा पैकेट बड़ा धमाका कहा जा सकता है। इसकी बिल्ड क्वालिटी बढ़िया और बैटरी दमदार है, ये इसके प्लस पॉइंट है। इस फ़ोन को औसत बजट स्मार्टफोन कहा जा सकता है। यह फ़ोन उन लोगों के लिए अच्छा है जो स्टॉक एंड्रॉयड के अनुभव के साथ थोड़ी कम यूजेस करते हैं। तीसरे नंबर पर आता है Honor 8X। यह Amazon एक्सक्लूसिव स्मार्टफोन है। इसे 3 वेरिएंट में पेश किया गया है। इसकी शुरुआत कीमत 14,999 रुपये है, वही इसकी टॉप लाइन वेरिएंट की कीमत 18,999 रुपये है। Honor 8X एक ऐसी डिवाइस है जो न सिर्फ Redmi फोन्स के साथ बल्कि मार्केट में मौजूदा 20,000 रुपये के रेंज के कई हैंडसेट को टक्कर देती है। इस प्राइस सेगमेंट में आने वाला यह एक बेहतर विकल्प साबित हुआ है। इस फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी, डिज़ाइन, कैमरा काफ़ी शानदार है। और चौथे नंबर पर आता है Realme 2 Pro। इस स्मार्टफोन को 3 मेमोरी वेरियंट्स और 3 कलर ऑप्शन में लॉन्च किया गया था। यह फ़ोन अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले काफ़ी बेहतर फ़ोन है। इसमें नॉच मौजूद है, बैक पैनल क्रिस्टल से बना हुआ है। वहीं अगर आप गेम खेलने का शौक है तो यह फ़ोन आपको काफ़ी पसंद आ सकता है। इसके अलावा वीडियो स्ट्रीमिंग में भी आपको किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा Realme 2 Pro में। और पाँचवें नंबर पर आता है Asus ZenFone Max Pro M2। 12,999 रुपये की शुरुआत कीमत है। लॉन्च हुआ Zen Max Pro M2 बाजार में Realme Pro 2 की कड़ी टक्कर दे रहा है। इस प्राइवेट सेगमेंट में स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर और EIS फीचर उपलब्ध कराना कंपनी के लिए प्लस पॉइंट साबित हुआ। इस फ़ोन को कंपनी द्वारा मिड रेंज किंग का नाम दिया है। जिस तरह Zen Max Pro 2 M2 का पिछला वेरिएंट Zen Max Pro M1 कंपनी का सबसे ज़्यादा बिकने वाला फ़ोन रहा, उसी तरह ZenFone Max Pro M2 यूजर्स की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश कर रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।